पर्सनल अपीयरेंस ऑफ एसएचओ। यस मिस्टर खान, वेयर इज योर एसएचओ? हैव यू शोन हिम द फोटोग्राफ्स? यू आर द एसएचओ ऑफ कंकड़बाग। व्हाट इज योर नेम? रविशंकर सिंह। मिस्टर रविशंकर सिंह, देर आर सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट यू। आपने वकील साहब से बात किया है सर? क्या आरोप है आपके ऊपर? ये कि सर कि मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खराब के खाली करा दिया है। आपने वहाँ पर खड़ा होकर के खाली कराया, ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रेस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपने तरफ से जोर आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या क्या कहना है सर? ये आरोप सरासर असत्य है सर। ये 18/18/10 की बात है सर। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं, मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोग का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराए वाले लोग के विवाद है कि हम मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर, 8 या 9 के बीच में मेरे पास कॉल आया कि मकान खाली के लोग 2 पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थे, हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पर विधि व्यवस्था को संधारित की दी और दोनों पक्ष को थाना पर ले गए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए, वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर। दोनों पक्ष थाना पे आ गए, दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको कोई FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बात उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पे सर, दोनों पक्ष को समय दिया जाए, ये लोग केस नहीं करना चाहे। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हम तो एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं तो उसमें 2 गवाह का साइन है, वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किरायेदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किरायेदार थे सर जो यहाँ केस किए हैं तो वो स्वतः खाली करके चले गए, ये थाना को कोई जानकारी नहीं। और विद इन 50 उस डेज में कभी ना वो थाना आए, ना हमने कभी उनको कभी कॉल किया, ना कभी मेरे सामने वो सर आए और ना कभी अपना पक्ष रखे। और वो बगल में ही किसी के रूम में जाके शिफ्ट हो गए अपना सामान, मतलब सर वो भी हम नहीं जानते हैं कि कहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन सुनते हैं 100 मीटर के अंदर में ही कहीं पर रह रहे हैं। उसके बाद सर वो पत्राचार करने लगे तो हमने दोनों पक्ष पर 107 कर दिया। बस सर यही है सर। आपने जितनी बातें कहा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई सर, सर मालूम है आपको? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये बताइए कि ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किरायेदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पर ये हम लोग क्या थी जानकारी में नहीं है सर, ये दोनों झगड़ा करने लगे सर। और जब जिस समय दोनों अगर झगड़ा कर रहे थे तो कानून में आपके पास पावर था ना उनके ऊपर एक्शन लेने का, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अगर था तो आपको एक्शन लेने का पावर था। दोनों पक्ष तो आपने दोनों को थाने पर ले जा करके ये खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई ये क्यों हुआ आपके थाने में? सर न मेरे द्वारा खाली कराया गया है न मेरे द्वारा सामान निकाला गया, दोनों पक्ष ही आपस में। दीजिए साहब कहाँ है पेन ड्राइव? यस सर, पेन ड्राइव को जरा प्ले कीजिए। चलिए 2:15 में, वो 31 हो गया। Yes, 2:15 में हम लोग इसको प्ले yes, करेंगे। इसको आप तब तक रेडी करके रखिएगा। जवाब देंगे, बताया जाए।
पावरफुल लोग हैं, उनके दर्द है, दर्द है, दर्द है, इससे हम पूरा अलग रहते हैं, क्या करें? थाने अध्यक्ष के दर्द है बाबा, उनका दर्द है, ठीक है बाबा, यही है। आप क्या कहते हैं? आपसे तो ठीक ही ठाक, आपसे तो एकदम ठीक ठाक चल रहा था, आपसे कोई दिक्कत था नहीं, है ना? यही है ठीक बाबा। सुन लिया आपने मिस्टर खान? इन लोग का तो कोई आवाज है नहीं उसमें, नहीं नहीं आवाज नहीं है। दूसरी बात और है कि ये कोर्ट यहाँ ट्रायल नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाँ, इसमें हुजूर एक बात और है, इन्होंने कहा एक एक मेरी इस बात का जवाब। हाँ जी, अभी हमने इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार FIR करने के लिए? FIR का क्या उसके और जो हुजूर उन्होंने जो पेटिशन दिया FIR का, उसकी कॉपी तो इसमें लगाया नहीं उन्होंने। आप उल्टा बस मत, यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। हम तो समझ यू आर स्टेट, यू आर यू डोंट आर्गू लाइक एन एडवर्सरियल लिटिगेंट। लिटिगेंट भाई आपकी प्राइवेट लड़ाई नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न जलके हम पूछा हुजूर की FIR। अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, ये अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, बट दीज आर द मैटर्स विच आर गिविंग राइट्स टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजिबल ऑफेंस, एंड व्हेन दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवेन टू द पुलिस, व्हेन वन ऑफ योर पुलिस ऑफिसर्स निशा हैड गॉन टू दैट प्लेस, there are allegations against her, there are allegations against SHO, why FIR was not lost? Why FIR was not lost? Answer me this question first. FIR के लिए उनसे कहा गया हुजूर, FIR के लिए उनसे पूछा गया, वो FIR लॉज ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो है इंस्पेक्टर, he is saying ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका, तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ लगा हुआ। FIR रजिस्टर हुआ फिर? ये तो है ही हुजूर, यहाँ लगा हुआ है। FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर पेपर आया हुआ था। नहीं नहीं, ये पेपर एक आया हुजूर, इसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाकर चोरी कर लिया, जब ये गए नहीं वहां। हाँ, मुश्किल चीज है, इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए जी हुजूर, वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको, एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे। लेकिन लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पजेशन में था इस प्रॉपर्टी के, लेकिन ये व्यक्ति पजेशन में था, इनकार कहां का जा रहा हुजूरी, कहां के सर? अगर इनकार तो खुद ही छोड़ के चले गए तो क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बींग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, डोंट अटैच योर सेल्फ विथ वन ऑफ द पार्टीज, द रेमिफिकेशन विल बी वेरी बैड। इफ द पुलिस ऑफिसर्स स्टार्ट एक्टिंग इन कॉलिजन विद द पर्सन्स हु आर इंडल्जिंग इन अनलॉफुल एक्टिविटीज, देन दैट पर्सन नो लॉन्गर रिमेन्स ए पुलिस ऑफिसर, then he is a gunda in the ways of police, then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका है? तो कहीं नहीं ना कि हम फेंका हुजूर, ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, गए भी नहीं। मुश्किल है, आप जो है डिफेंड करने लगते हैं, जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है।
इनके फोन का जांच हुआ, कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा 8 बजे की, 8 बजे की घटना है। आप चूंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है, अब ये सब स्थिति हो गई है, ये पहला केस नहीं है। दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस सेवरल केसेज ऑफ दिस नेचर, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए एसएचओ के, इनकी संपत्ति की जांच कराइए एंटी करप्शन ब्यूरो को, हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियास के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। SC ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं, एलिगेशंस है। अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो FIR लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? नहीं मटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा। अगर ये पाया जाएगा कि ही हैज कमिटेड सर्टेन एक्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ही हैज एक्टेड लॉफुली इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहाँ 197 CRPC का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको, पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कनाइवेंस आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर ही मे बी प्रोसिक्यूटेड विदाउट सैंक्शन, देयर विल बी नो नीड ऑफ सैंक्शन इन सच केसेस। तो ये मुझे बताइए कि FIR लॉज क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे शाम तक FIR चाहिए, मुझे शाम तक FIR चाहिए। आप मंगवाइए और जो भी रिटर्न कंप्लेंट आया है इनका पिटिशनर का, दैट शुड बी रजिस्टर्ड एज ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इमीडिएटली एंड इन्फॉर्म दिस कोर्ट। एंड दीज टू ऑफिसर्स एज वेल एज मिस्टर चौबे, दे विल नॉट इन्वेस्टिगेट दोज केसेस। I will issue certain directions to SSP right now, and their conduct will be examined by the senior police officers. आप मुझे बताइए 4 बजे। There are serious allegations. If those allegations are true, then that will have a wide ramification. FT भी दिया है, 2 दिन से उनको धमकी मिल रही है, कोई आदमी आके बोलता है तुम्हारी हत्या हो जाएगी, वो डरे हुए। इसमें सर एक आवेदन से दिलवा दिया जाता है FIR के लिए, आज दिलवा दिया जाए। कुछ नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है आवेदन पर FIR होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं गलत सही, आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं। FIR के लिए क्या रिटन जरूरी है कंप्लेंट? तो कुछ बताएं, रोज आपके SI जो है इन्फॉर्मेशन, जो अपने इन्फॉर्मेशन पर FIR रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ओरल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। क्या आप खान साहब, बार बार मैं आपको हुजूर कुछ बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप इनके साथ अटैच मत होइए। यू आर ए स्टेट लॉयर, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस। आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम कीजिए। ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको, विदाउट रियलाइजिंग कि हाँ लॉ क्या है। रिटर्न दिलवा दीजिए। जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना कि मुझे मारा गया? वो बोल रहा है ना कि 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया, निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से,
वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाकर के बैठाया गया सुबह से शाम तक। कहाँ है उसका सीसीटीवी फुटेज, लाइए पुलिस स्टेशन का, वो सब डेट्स का फुटेज। पुलिस को क्या मतलब है इस सब केसेज में पढ़ने का? हाउ पुलिस इज टेकिंग अपॉन इटसेल्फ कि किसका मकान खाली कराना नहीं कराना। अब हम जरा सा बता दें हुजूर को फैक्ट्स, तभी कुछ बात होगा। हम फैक्ट्स तो हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे, इसमें हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। मुझे पहले ये बताइए, देखिए बार बार आपको कर रहे हैं कि जब कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं एक कॉमन सिटीजन के द्वारा, एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी कि एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है, हम तो भागे चल रहे हैं डर से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि एससी एसटी केस में तुमको फंसा देंगे। आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे। और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे फंसाया जा रहा है। और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, कितना कमाया है वो भी पता लगना चाहिए, कहां कहां ये प्रॉपर्टी ग्रैबिंग करा रहे हैं। बताइए मुझे 4 बजे एफआईआर करा, एफआईआर करा करके मुझे चाहिए जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके यहां रिसीव हुआ है, इन राइटिंग हुआ है या ओरल हुआ है, व्हाट एवर एलिगेशन ही हैज मेड, पूरी तरह से ये करके एफआईआर करा करके लाइए, मुझे बताइए। आई विल टेक अप दिस केस एट 4 o'clock।